कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ लोगों से मिलते हैं और सामने वाले के मुंह से बैड ब्रेथ आ रही होती है, उसकी बैड ब्रेथ की वजह से हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, और हमें ही नहीं जिसके मुंह से ये बैड ब्रेथ आ रही होती है उसको भी बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, बहुत एम्बेरसिंग फील होता है। तो आपको फ्यूचर में ऐसी समस्या ना हो, आप कॉन्फिडेंस फील करिए जब भी किसी से मिले, इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा माउथ वॉश, जिससे आप अगर अपना माउथ रिंस करते हैं आफ्टर हैविंग योर मील या फिर जब भी आप टूथब्रश कर रहे हैं उसके बाद अगर आप अपना माउथ रिंस करेंगे तो आपके मुंह से आने वाली जो बैड ब्रेथ है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर हम मार्केट बेस्ड माउथ वॉशेज़ की या माउथ रिंसेज़ की बात करें तो दे आर नॉट इवन वेरी कॉस्टली, बट दे आर लोडेड विथ केमिकल्स। इसमें इतने अल्कोहल होते हैं, इतनी हाई अमाउंट में केमिकल्स होते हैं कि वो हमारी बॉडी के लिए या ह्यूमन बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, बट स्टिल क्योंकि वो एज अ मेडिसिन यूज़ करना होता है हमें तो हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर गलती से भी आपने उसको स्वॉलो कर लिया तो बिलीव मी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो चलिए आज घर पर ही हम बहुत ही कम 10 से 15 रुपये के खर्च पर और सिर्फ नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स को लेते हुए, कुछ हर्ब्स हैं और कुछ स्पाइसेस को लेते हुए, हम अपने लिए एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन सा माउथ वॉश बनाएंगे जिससे हमारे मुंह में होने वाली न सिर्फ बैड ब्रेथ बल्कि जो भी बैक्टीरियल एक्टिविटी है उससे भी हमें छुटकारा मिलेगा। ये हमारे दांतों को भी क्लीन कर रखेगा और साथ साथ बैड ब्रेथ से तो हमें छुटकारा ही दिलवाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट अपने लिए उठा सकें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं बनाकर दे सकूँ और आप इनको अपने घर बैठे इन्जॉय कर सकें और अपने लिए केमिकल फ्री नेचुरल प्रोडक्ट्स बहुत ही कम खर्च पर अपने घर पर बना सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमें इस माउथ वॉश को बनाने के लिए क्या करना है। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझ सकें और अपने लिए इसको एज इट इज प्रिपेयर कर सकें, जैसे मैंने अपने लिए किया है। तो सबसे पहले हमें एक पैन में ले लेना है 1 गिलास पानी और इसको लो फ्लेम पर गैस पर चढ़ा देना है। अब हम इसमें ले लेंगे 1 मुट्ठी करी पत्ता। करी पत्ता में भी बहुत ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे मुँह में आने वाली बदबू को ख़त्म करता है। फिर हमें ले लेना है 1 मुट्ठी नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्ती मुंह की बदबू को, मुंह की इसमें होने वाली सड़न के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, कितना अच्छा ट्रीटमेंट करती है, हमारे ओरल हेल्थ के लिए कितनी अच्छी है, ये हम सब जानते हैं। इनको हमें अच्छे से धो लेना है और फिर इसको, इनकी पत्तियों को निकाल कर हमें उबलते हुए पानी में डाल देना है। अब हमें चाहिए होंगी 14 से 15 लौंग। यहाँ पे लौंग जब आप लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें उसके जो ऊपर फूल सा लगा होता है वो ज़रूर होना चाहिए। अब लौंग को भी हमें उबलते हुए पानी में डाल देना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमें लेना है वो है हल्दी। हल्दी कितनी ज़्यादा एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के साथ होती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम रेगुलर हल्दी से अपने दांतों को साफ़ करें तो हमारे दांतों पे जो गंदगी जमा हो जाती है, पीले पीले से जो निशान से हो जाते हैं, वो भी ख़त्म हो सकते हैं। इसका भी हमें 1 चम्मच ले लेना है और पानी में डाल देना है। अब हमें नेक्स्ट ले लेना है दालचीनी पाउडर। दालचीनी पाउडर डालने से इसमें एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और दालचीनी भी हमारे दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। दांतों में हो रही सड़न और जो भी कैविटी वगैरह हो रही होती है उसको ख़त्म करती है। आधा चम्मच दालचीनी भी हमें पानी के अंदर ऐड कर देना है। इन सभी चीज़ों को पानी में डालने के बाद हमें कम से कम 12 से 14 मिनट तक पानी को उबालना है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि आँच धीमी ही रखनी है। और उबलते उबलते आप देखेंगे कि जो जितने भी अमाउंट में आपने पानी लिया था पानी उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि मैंने 1 गिलास पानी लिया था तो ये आधा गिलास ही पानी बचेगा। अभी ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, आगे चल के मैं इसमें एक और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ ऐड ऑन करने वाली हूँ, तो वीडियो को अभी स्किप करके नहीं जाना है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब उबलने के बाद हमें इसको एक छन्नी की हेल्प से छान लेना है। इसको छानने के बाद इसके ठंडा होने से पहले ही हमें इसमें अब ऐड करना है हमारा वो स्पेशल इंग्रेडिएंट जिसके बारे में मैंने बात की थी, और वो है 1 चम्मच बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा जो हम किचन में कुछ बॉईल वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे छोले में डालते हैं या राजमा में डालते हैं। 1 चम्मच भर के आपको इसमें बेकिंग सोडा डाल देना है। बेकिंग सोडा हमने पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि अगर हम इसको गर्म पानी में डालते तो ये बहुत ज़्यादा मतलब उबाल सी आ जाती है इसमें, इसलिए मैंने अभी इसमें बाद में डाला है ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए।
अब हमें इसको एक कांच की बोतल में फिल करके रख लेना है। और कांच की बोतल आप ऐसी लें, ध्यान रखें कि उसका ढक्कन थोड़ा सा गहरा वाला हो, जैसे इसमें देखिए मैं दिखा रही हूँ, इस तरह का ढक्कन रहेगा तो आपको यूज़ करने में आसानी रहेगी, ताकि इसमें से आप डायरेक्टली निकालें और अपने मुँह में डालकर आप इससे अपना माउथ वॉश कर सकते हैं या माउथ रिंस कर सकते हैं। जब भी आप टूथब्रश करें उसके बाद भी इसे यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो जब भी खाना खा रहे हैं उसके बाद भी आप इसको एक ढक्कन लेकर 2-3 मिनट तक मुंह में रखकर इससे अपना माउथ रिंस कर सकते हैं। और आप देखेंगे, फील करेंगे आपके मुंह से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और आपके मुंह में होने वाली जो भी बैक्टीरियल एक्टिविटी है, कैविटी है, वो भी आपको धीरे धीरे कम होती हुई नज़र आएगी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और मेरी प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूँ और फ्यूचर में आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।